हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। अक्षय और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी देखे लोगों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म 200 करोड़ रुपए कमाने के करीब पहुंच गई है और आने वाले 5 दिनों में इस आंकड़े को पार भी कर सकती है। हालांकि फिल्म एक वजह से और भी चर्चा में है और इसकी वजह फिल्म में शामिल किया गया एक गाना है जो कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन के गाने टिप टिप बरसा पानी का रिमेक है। लोगों ने गाने के नए रिमेक को लेकर मेकर्स को जमकर ट्रोल किया है। लोगों का कहना है कि कैटरीना इस गाने में वो कमाल नहीं दिखा पाई है जो रवीना टंडन वाले गाने में था। और इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी कहा है कि मेकर्स ने इस गाने की भद पीट दी है और अब इस पर सूर्यवंशी के डायरेक्टर यानी कि रोहित शेट्टी ने इस रिमेक गाने को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर अपना रिएक्शन दिया है। रोहित शेट्टी ने कहा है, 90s वाले गाने के फैंस इस रिमेक का विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। हमने कोशिश की है कि गाने का वही टेस्ट बरकरार रहे। हाँ, हम मानते हैं कि कभी कभी ये सब बैकफायर भी कर जाता है और टिप टिप बरसा पानी एक शानदार गाना है और हमने इसे नई जनरेशन के हिसाब से रिमेक किया है। तो देखा आपने, रोहित शेट्टी को भी लग रहा है कि लोग इस गाने का सही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि पुराने गानों के रिमेक कुछ खास पसंद नहीं किए जाते और तो और आलोचनाओं का भी शिकार हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अक्षय और कैटरीना कैफ के गाने के साथ भी अब हो रहा है। अगर इस फिल्म की बात करें तो फिल्म सूर्यवंशी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के तीसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले रोहित शेट्टी ने सिम्बा और सिंघम जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। सूर्यवंशी में देखिए अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ के साथ साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह गेस्ट अपीयरेंस में आप लोगों को जरूर नजर आएंगे। फिल्म के रिलीज होते ही देखिए बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाल कर दिया है। क्रिटिक्स ने तो फिल्म को अच्छी रेटिंग दी ही दी है। फैंस भी अक्के को पुलिस के अवतार में देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। यूं तो फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिल्म में विलन को मुस्लिम दिखाने पर बवाल हो रखा है और जिसे लेकर रोहित शेट्टी सफाई भी दे चुके हैं और आलोचना करने वालों का मुंह बंद भी कर चुके हैं। वैसे आपका इस खबर में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।